ओके ये उधर जाओ ना देखने दे ये 10-10 फीट के भी रहते हैं भाई ये मोटे मोटे रहते हैं और बंदर डरते हैं इनसे इनसे डरते हैं इनसे कोई नहीं लेते और ये कुछ बोलते नहीं वो दूसरे बंदर क्या उंगली करते हैं अच्छा ये पहाड़ को और ऊपर तक नहीं चढ़ना पड़ा ये वाला नहीं चढ़ना है क्या ये नहीं चढ़ना है बड़ा वाला भाई गान वाला बोल ऊपर नहीं चढ़ रहे लोग दूसरा होगा कोई जाके चढ़ाएगा ठीक है अच्छा है बढ़िया लगा मेरे को देखकर ऑल द वे चैलेंजिंग तो है थोड़ा सा क्या अच्छा खासा ही है एंड्योरेंस काफी चाहिए भाई है ना आई थिंक हमें इसलिए भी ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी कितना अर्ली स्टार्ट किया था तो उसकी वजह से भी लेकिन फिर भी काफ़ी है पजल जंगल हो गया हमारा अच्छा मेरे को मालूम था वो दूसरा वाला जो घाट है जहाँ से चढ़ते हैं गणेश घाट अल्टीमेटली उनको भी यही से आना होता होगा ना हमें एक तो खत्म हो गया बीमा फोन का लिस्ट में से एक कम हो गया गार्बेट सही है वो जतिन के साथ जाना वन सेकेंड बेस्ट रहेगा क्योंकि उसको प्रॉपर रास्ता मालूम है लेकिन भैया जतिन ने कितने बार किया हुआ है ऑलरेडी 10 बार कर लिया होगा कितने बार होगा तेरा जतिन गार्बेट है
क्या नहीं होता, हाँ वो भी है। कल सुबह ही मार, कल सुबह ही, कल सुबह में क्या है, लेडर लेडर कुछ है नहीं। ठीक है साथ में एक बार ठीक, लेकिन इसको अगर चार पांच बार कंटिन्यू भेज दिया ना। हाँ भाई कल्चू भाई तो हाई स्पीक है ना, महाराष्ट्र स्पीक है, उसमें भी लंबा है, 3.5 घंटे लगते हैं। इससे भी लंबा है क्या वो? दोनों बराबर है, 3.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, बल्कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें 3.5 घंटे यहाँ तक लगेंगे टेम्पल तक, और नागपनी करके है और ऊपर, तो वहाँ पे भी लेके जा। उसमें क्या है कल्चू भाई में कहीं तुम्हारे को डर लगेगा, कहीं डर नहीं लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा चलते जाओ चलते ना, एज पे चल रहा है ना, कहीं पे चल रहा है, लैडर पे चल रहा है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे उससे चल चल कर चले। हरिहर फोर्ट जाने के सोच रहे हैं, हरिहर भी बढ़िया, हरिहर लंबा है क्या विजय? नहीं नहीं नहीं, हरियर एक्चुअली अभी तक मैंने जितना भी किया है उसमें से वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रहा होगा वो। उसमें कुछ पोर्शंस हैं जो कि थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा क्लाइम है बस, ट्रैवलिंग का सारा वाली साइड ज़्यादा है। हाँ वो ट्रैवल टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगता है, स्टेशन से वो बेस विलेज में जाने में टाइम लगता है, अदरवाइज जो ट्रैक है वो काफ़ी बहुत ही मतलब अच्छे टाइप का है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं है। और वो अल्टीमेटली अगर मॉनसून टाइम में जाओ और वहाँ पर अगर बारिश हो रही हो, स्विस मैक के पास बार है स्विस मैक, हाँ इसमें जो ऊपर ऊपर जो है उसमें होगा, ये आम का ही है ना, और कुछ तो नहीं है ना? आम ही है, ये ओके छोटे वाले में, हाँ ऊपर ऊपर में होगा वो छोटा। मेरे छोटे आम की लग गई। लड़कियां होने से हम लोग इतना जल्दी कर सकते थे क्या? डिपेंड करता है लड़की कौन सी, हाँ लेकिन यार लड़कियां रहने से ना थोड़ा हो ही जाता है, वो थोड़ा रेस तो लगती है थोड़ा ज्यादा। नहीं वही कुछ होती है तो लेती है, नहीं तो कुछ का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। दो दिन तो गिर जाएंगे पहाड़ से। वाह राइट 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 एग्जैक्टली, उस पर जो पूरा जो गैश बना हुआ है वो बेसिकली ये ब्रोकन यही है।
कनाडा में जो मैंने अभी तक ट्रैकिंग किया ना, यूजली इस टाइप की होती है, मतलब इस टाइप का ही फॉरेस्ट होता है और थोड़ा बहुत सैंड वगैरह होता है, लेकिन फिर भी मतलब सही रहता है। ये भी देखो क्या चीज़ है, पेड़ गिरा हुआ है लेकिन सूखा नहीं। राइट, अभी तक उसकी जड़ हाँ अंदर ही है। सही बता, छोटा सा है फॉरेस्ट की क्या है? फॉरेस्ट मुझे लगा ये उजाला दिख गया तो हो गया।